नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 19 और 20 मार्च को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। मौसम में तेजी से बदलाव। दिल्ली व एनसीआर से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों समेत कई राज्यों में 3 दिनों तक बारिश के आसार। मार्च के महीने में पूरे भारत में मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। कई राज्यों में बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ का असर कई राज्यों पर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में बादलों के गरजने के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते आगामी 24 घंटे में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रभावी हो रहा है और इसके असर से 18 से 20 मार्च के दौरान गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में सक्रिय 4 वेदर सिस्टम के कारण गुरुवार से भोपाल सहित राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। इस दौरान बादल छाने के साथ ही तेज हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार के अलावा शुक्रवार को भी ओला पानी की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि मौजूदा समय में पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी रुक रुक कर हो रही है। आज और कल हो सकती है दिल्ली और एनसीआर से सटे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश। हालांकि शाम के समय बादल छाए रहे, तेज हवाएं भी चली, लेकिन बादल बरसे नहीं। अगले 2-3 दिन दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और तेज धूप से राहत मिलने की संभावना है। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं इस सप्ताह के अंत में भी हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं कानपुर में तापमान में उतार चढ़ाव करेगा परेशान। दोपहर में गर्मी और शाम को ठंडक का होगा एहसास। पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके साथ ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ऊपर सक्रिय है, जिसके कारण इस सप्ताह मौसम में उलटफेर जारी रहेगा। सुबह और शाम दोनों समय हल्की ठंडक रहेगी, जबकि दोपहर में चटक धूप लोगों को परेशान करेंगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अत्यधिक ऊंचाई पर बादल छाए रहेंगे, जिसका आंशिक असर मैदानी क्षेत्रों पर नजर आएगा। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, फरुखाबाद, कन्नौज, बुंदेलखंड में 19 से 21 के बीच बूंदाबांदी के आसार हैं। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता बनी रहेगी, जबकि कानपुर से सटे उन्नाव में गर्मी बढ़ने के साथ ही बारिश की बढ़ रही है उम्मीदें। उन्नाव में बुधवार को पश्चिम उत्तर की हवा चलने से गर्मी रही, लेकिन नमी भी बरकरार रही, जिस कारण बारिश की संभावना जताई जा रही है। दरअसल हवा बदलने से मौसम में आर्द्रता आ गई है, जिससे बारिश की ये संभावनाएँ बन रही है। वहीं गोरखपुर में रोजाना बढ़ रहा है तापमान, औसत से अधिक रहेगी गर्मी और अलीगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। सुबह राहत, लेकिन दिन में गर्मी का एहसास। वहीं आगरा में 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचा सुबह का तापमान, कल हो सकती है बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को आगरा व आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही बारिश हो सकती है। 19 मार्च को बादल छाने और बारिश के बाद 20 मार्च से धूप निकलेगी। 21 और 22 मार्च को तेज धूप निकलने से तापमान बढ़ जाएगा। वहीं 23 मार्च से मौसम का मिजाज दोबारा फिर बदल सकता है। तेज हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है और बादल छाए रह सकते हैं। 24 मार्च को भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही प्रयागराज में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बूंदाबांदी की भी है संभावना। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आगामी 2 दिनों के अंदर बादलों के लौटने के आसार दिख रहे हैं। इस बार धूल भरी हवाओं के बीच बूंदाबांदी भी हो सकती है, जबकि वाराणसी में तापमान सामान्य से अधिक बरकरार है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस पूरे सप्ताह मौसम का रुख सामान्य बना रहेगा। हालांकि बादलों की मामूली आवाजाही का दौर भी बना रहेगा, इसकी वजह से तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।